हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं योक बेबी फ्रॉक। आप कोई भी बेबी फ्रॉक इजीली डिज़ाइनर पीस बना सकते हैं घर में, आज हम वही करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 1 मीटर का और बस ये एक बेल्ट सा लिया है, एक पीस लिया है पैटर्न बनाने के लिए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम योक बनाएंगे, तो इसको हमने 2 फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। अब चलिए मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहली मार्किंग आगी 4x4 की, तो ये मैंने ब्रॉडनेस भी 4 ले ली और अब लेंथ भी मैं 4 लूँगी। तो यहाँ से 4 इंच पे मार्क कर दिया मैंने। अब दूसरी मार्किंग आएगी वो 2x2 की आएगी, यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और लेंथ भी मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। तो 4x4 और 2x2 की मार्किंग हो गई। अब चलिए राउंड शेप देते हैं। तो 2x2 से ये रहा हमारा सर्कल और दूसरा 4x4 से भी ये हम इस तरीके से शेप देते हुए सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 2 सर्कल बना दिए हैं हमने। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो दोनों सर्कल को हम कट करेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने छोटा सर्कल कट कर लिया, अब चलिए बड़ा सर्कल को भी कट कर लेते हैं। तो ये मेरी कटिंग एक योक की हो गई है। ये मेरा फ्रंट का योक है, चलिए इसे खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये, अब जो हम बैक का योक बनाएंगे वो इससे थोड़ा लॉन्ग में बनाएंगे। तो देखिए ये सिंगल पीस ही है, उसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी कट किया था उस योक को रख दिया इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, ये पूरी लेंथ तक हम ये बड़ा बनाने वाले हैं। तो इसे ऐसे ही बड़ा ही ड्रॉ कर लीजिए आप, ये यहाँ से पूरा एक्सटेंड कर दीजिए इसे, यहाँ से भी इसे एक्सटेंड करेंगे हम। और अब इसी शेप में नीचे से ड्रॉ करेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। हमने बिल्कुल वैसा ही शेप लिया है, बस हमने ऊपर से थोड़ा इसे एक्सटेंड किया हुआ है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है बड़ा पीस। देखिए हम इसको रफ आइडिया देते हैं कैसे बनने वाला है। तो ये इस तरीके से आगे का योक होगा, जो बड़ा है वो पीछे का योक होगा और हम यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैप करके यहाँ पे बटन लगाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। देखिए नीचे के फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। ये इसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 11 इंचेस की। आप जितनी चाहे ले सकते हैं, आप जितनी ज़्यादा ब्रॉडनेस लोगे उतनी ज़्यादा गैदरिंग आएगी आपके फ्रॉक में। मेरे लिए 11 इंचेस काफ़ी है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए हमने योक बनाया है इस तरीके से, वो हमने 4 इंच का लिया था, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब थोड़ा हम होल तो हमारा योक में आ जाएगा, बाकी का हम यहाँ बनाएंगे। तो मैं 2 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, तो ये 2 इंच पे मार्क हो गया। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हमारा चेस्ट का पार्ट आता है, वो हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देख के पूरा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये तो पूरी मेरी गैदरिंग आएगी, मेरा जितना भी चेस्ट का पार्ट होगा मैं उतना पूरा गैदर कर लूँगी। तो मेरा आर्म होल हो गया। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है और इसकी ब्रॉडनेस 11 इंचेस की रखी हुई है मैंने। जितनी ज़्यादा आप ब्रॉडनेस रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी गैदरिंग आएगी, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो इस साइड पे हम 2x2 का एक मार्किंग करेंगे। तो ये 2 इंचेस हो गया और यहाँ पर भी 2 इंचेस हो गया। ये आर्म होल का शेप दे देंगे हम, बाकी का आर्म होल हमारा योक में बन जाएगा। यहाँ पर बस हमें इतना छोटा सा शेप ही देना है। तो चलिए लेंथ लेते हैं हम यहाँ से 15 इंचेस। तो 15 इंच पे मार्क करेंगे, ये मेरी लेंथ स्विंग अलाउंस के साथ है। तो 15 इंच पे मार्क कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे कट कर देना है। तो हम ये पहले आर्म होल कट करेंगे और उसके बाद हम नीचे का शेप कट करेंगे। तो देखिए हमने आर्म होल कट कर लिया, अब बस पूरी लेंथ जितनी है वहाँ तक हमें कट कर लेना है और कुछ भी नहीं करेंगे हम। यहाँ से 15 इंच पे कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई है और इस तरीके के हमारे 2 पीस बन गए हैं और यहाँ पे हमारा योक आएगा और इतनी हमारी गैदरिंग बनेगी। अब हमने जो योक 2 काटे हैं उसे हम सीधा इस ग्रीन वाले हिस्से पर रख के उसी शेप के 2 योक भी कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने इसी शेप का कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे राइट पार्ट है उसके ऊपर हम ये दूसरा पार्ट जो हमारा ग्रीन वाला है वो उल्टा रखेंगे इस तरीके से, और ये पार्ट भी हम इस पर उल्टा रखेंगे।
ऐसा करने से हम अपना नेक बना देंगे फ्रॉक का। तो हम ये पूरे नेक जो है उस पर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर भी इस नेक पे हम सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसे टर्न करेंगे। नेक पे सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे, यहाँ से बस यहाँ तक छोड़ देंगे और फिर यहाँ से ये पूरे में, मतलब हम नीचे का राउंड शेप है उसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे टर्न करने के लिए, और इसी तरीके की प्रोसेस रिपीट करेंगे हम दूसरे वाले पार्ट में भी। देखिए सिलाई लगाने के बाद अब बारी आती है नॉचेस लगाने की। तो हम यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे इस तरीके से पूरे राउंड में, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इस तरीके से नॉचेस लगा दीजिए। नॉचेस लगाने के बाद अब हमने जो ये जगह छोड़ी थी वहाँ से हम टर्न करेंगे इस तरीके से, इसे टर्न करके राइट साइड पे डाल दीजिए। इसी तरीके से आपको दूसरा योक भी बना देना है। ये देखिए हमने टर्न कर दिया है और दोनों योक बन गए हैं हमारे। तो चलिए अब बारी आती है नीचे की गैदरिंग की। तो देखिए हमें गैदरिंग इसके साइज का करना है इतना ही। तो ये हम यहाँ पर गैदरिंग आएगी इस तरीके से और उसको इतना करना है कि इस साइज का बन जाए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किया हुआ है इसमें। देखिए इस तरीके का बनेगा हमारा गैदरिंग। तो अब हम गैदरिंग के लिए क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारी पूरी ब्रॉडनेस है वहाँ पर बड़ी सी सिलाई लगाएंगे। याद रखिए आपको बड़ी सी सिलाई लगानी है बड़े नंबर की, ताकि हम इजीली इसे खींच के गैदरिंग कर सके। तो चलिए इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमने बड़ी सी सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, ये एंड में जो धागा है उससे हल्के हाथों से बस इसे इस तरीके से खींचते जाएंगे तो हमारी गैदरिंग बनती जाएंगी। और हमने जो योक काटा है उसकी साइज जितना ही हम गैदरिंग कर देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी बनाना है। मैं बस हल्के हाथों से धागे को खींच रही हूँ और ये गैदरिंग बनती जा रही है। ये देखिए हमने गैदरिंग कर दी है। देखिए इसने ही साइज की बनाई है हमने। इसी तरीके से आपको दूसरी भी बना देनी है। अब बारी आती है आर्म होल फोल्ड करने की। तो ये देखिए ये जो हमारा आर्म होल है उसको रॉन्ग साइड पर बस डबल फोल्ड कर दीजिए। छोटा सा ही आर्म होल है आपका बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला आर्म होल और दूसरे पार्ट का आर्म होल भी हम बना लेंगे। ये देखिए हमने आर्म होल भी बना दिए हैं फोल्ड करके। अब हम करेंगे ये हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर ये रॉक का रॉन्ग पार्ट रखेंगे और यहाँ से सिलाई इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे हम यूं ही, और ये पूरे एरिया में इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। चलिए सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए ये जॉइंट करने के बाद अब बारी आती है नीचे बॉर्डर फोल्ड करने की। तो हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके बॉर्डर फोल्ड कर देंगे पूरी ब्रेथ में। इसी तरीके से आप दूसरा पीस भी तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अभी हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर जो दूसरा पार्ट होगा हम वो रॉन्ग रखेंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, बस ये पूरी लेंथ में आर्म होल के बाद की पूरी में सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक की। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने जॉइन कर लिया है। देखिए अब ये जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पर हम बटन और हुक लगाएंगे इस तरीके से। आपको यहाँ पर हुक और यहाँ पर इस तरीके से बटन लगाना है ताकि आपका शोल्डर भी बन जाएगा और वहाँ से आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा यॉक बेबी फ्रॉक। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।